हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड दो लेक्चर अपलोड किए थे, ठीक है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उसे देख सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे लेक्चर पर। और ये जो रेफ्रिजरेशन पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ALP के लिए, ठीक है। जो सेकेंड CPT2 एग्जाम हो रहा है टेक्निकल वाला, उसमें से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो दो आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो दो लेक्चर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या प्रोसेस होती है, और हमने लास्ट में बात की थी कि किस थर्मोडायनेमिक साइकिल में ये काम करता है, हमारी जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है। तो आज हम उसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे कि कौन सी थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस है जिस पे हमारा रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है वो वर्क करता है। तो ये थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है, उसका नाम होता है रिवर्स बैलकॉन साइकिल। मैंने इधर लिखा हुआ भी है कि रिवर्स बैलकॉन साइकिल है, उस पर काम करता है। इसको हम बैल कॉलमैन साइकिल भी बोलते हैं और जूल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। बैल कॉलमैन साइकिल बोलते हैं और जूल साइकिल बोलते हैं। और वैसे ये ब्राइटन साइकिल होती है, कौन साइकिल होती है, एक ब्राइटन साइकिल होती है, मैंने लिखा हुआ है रिवर्स ब्राइटन साइकिल या रिवर्स बैल कॉलमैन साइकिल या जूल साइकिल भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इनके दो डायग्राम भी बनाए हुए हैं। आपको पता है जब भी कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है तो उसके हम दो डायग्राम बनाते हैं, एक उसका पीवी डायग्राम बनाते हैं जिसे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम कहते हैं, और तीसरा क्या होता है हमारे पास टीएस डायग्राम होता है जो उसे एंट्रोपी और टेम्परेचर का डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसी डायग्राम के थ्रू हम बताते हैं कि कौन सी प्रोसेस हो रही होती है किस स्टेट के अंदर। जैसे यहाँ पर दो स्टेट, चार स्टेट है, एक वैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये स्टेज हमारे पास स्टेज है कि किस मतलब किस स्टेज में या किस प्रोसेस में हमारी किस तरीके से जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो हमारे पास रेफ्रिजरेशन के अंदर हो रही है, इन डायग्राम के थ्रू हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहले मैंने पीवी डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है बॉल कॉलमैन इसके लिए ब्राइटन साइकिल के लिए रेफ्रिजरेशन का। तो जो पहले प्रोसेस हो रही है वो 1 से 2 हो रही है, ठीक है। इधर आप देखिए कि टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज मतलब इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर की जो वैल्यू वो क्या बढ़ रही है और आपका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, ठीक है। जब टेम्परेचर की प्रेशर की जो वॉल्यूम वैल्यू है वो कम हो रही है और जो आपका वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, तो ठीक है। जब प्रेशर की वॉल्यूम बढ़ती है तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन हो रहा है, फिर उसके बाद क्या है, प्रोसेस 3 से 2 जा रही है। 3 से 2 क्या है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है तो हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है। मतलब यहाँ से जो है सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है, दैट्स मीन कि सिस्टम में क्या है, कूलिंग एंटर हो रही है। उसके बाद क्या है, 3 से 4 मतलब यहाँ पे क्या, प्रेशर अगेन डिक्रीज कर रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। जब प्रेशर हमारे पास डिक्रीज करता है और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट्स मीन कि हमारे पास एक्सपेंशन हो रहा है। और द लास्ट हमारे पास क्या है, सॉरी एट द लास्ट हमारे पास आ जाता है ये 4 से 5, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास अगेन कॉन्स्टेंट प्रेशर हो गया, ठीक है। और ये इसका टी एस डायग्राम है, ये दो साइकिल, इनको क्या बोलते हैं, इसे मतलब बोलते हैं इसे कंप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, इसको जो 3 से 4 होती है उसे एक्सपेंशन प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हीट रिजेक्ट हो रही होती है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, हीट एक्सेप्ट हो रही है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। हम दोबारा हीट ऐड करते हैं जो यहाँ पे जाके रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगेन हीट एक्सेप्ट हो रही होती है, ये 4 से 5 होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है हमारे पास, जो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो प्रोसेस होती है उनको आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सी होगी, 4 to 1 होगी, और एक हमारे पास होगी 3 से 2। क्या होगी, एक 4 to 1 होगी और एक होगी 3 से 2। ये दोनों कौन सी प्रोसेस है, ये आइसोवेरिक प्रोसेस है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 से 3 जो प्रोसेस हो रही है वो आइसोवेरिक या मतलब आपका जो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। आइसोवेरिक को बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जो 1 से 2 और 3 से जो 4 हो रही है उसमें क्या, आप देखिए कि जो आपका 3 से 2 उसको आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस। आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। टीएस डायग्राम में मैंने बताया हुआ है कि जब 3 से 2 है, 1 से 2 जो हमारी प्रोसेस हो रही है, तो देखिए एंट्रोपी कोई चेंज नहीं हो रही, एंट्रोपी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। और 3 से 4 भी क्या, हमारे पास एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है, दैट्स मीन इसको भी हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जो हमारे रेफ्रिजरेशन के अंदर होती है, इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 से 2 स्टेज में कौन सी प्रोसेस होती है, आपके एलपी में पूछा सकता है। प्रीवियस ईयर में एलपी में भी काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए, मैं फिर से आपको एक बार रिमेंबर करा दे रहा हूँ कि 1 से 2 कौन सी प्रोसेस होती है, कंप्रेशन प्रोसेस होती है, और इसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलते हैं। 3 से 4 क्या होता है, हमारा 3 से 4 जो होता है एक्सपेंशन हो रहा होता है, और इसे आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन बोलते हैं। 2 से 3 क्या होता है, 2 से 3 हमारे पास क्या होता है, हीट रिजेक्ट हो रही होती है, और हीट क्या होती है, आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर रिजेक्ट हो रही होती है। और 4 से 1 क्या होता है, हीट एक्सेप्ट हो रही है, और किस पर एक्सेप्ट हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सेप्ट हो रही होती है, ठीक है। ये इसका टीएस डायग्राम है, मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, कि कैसे ये है, जो 1 से 2 है वो आइसेंट्रोपिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही, और 3 से 4 भी आइसेंट्रोपिक है, क्योंकि अगेन यहाँ पे एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और जो हमारे पास 3 से 2, 4 to 1 है, उसमें एंट्रोपी चेंज होती है क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, ठीक है। आगे हम और बात करते हैं, इसके प्रोसेस की, कि इसकी इफिशियंसी क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने इफिशियंसी के लिए यहाँ पर डायग्राम लिखा हुआ है,
कि जो इसकी सिग्मा ये जो इसका टाउ होता है ये इसका क्या होता है, इसकी इफिशियंसी होती है डेल। इफिशियंसी क्या होती है, आपको पता ही है कि ये मतलब वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होती है, ठीक है। इसमें वर्क कंज्यूमिंग साइकिल होती है मतलब आउटपुट के फॉर्म में हमको क्या होती है, आपको हीट मिल रही होती है, ठीक है, और वर्क डन आप कर रहे हो मतलब वर्क को कंज्यूम करती है। तो इसका जो इफिशियंसी होती है वो 1/T2 - T1 - 1 होता है, ठीक है, बिकॉज की मैंने बताया आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन या आइसेंट्रॉपिक हीट जो भी प्रोसेस होती है वो आइसेंट्रॉपिक होती है एक्सपेंशन और कंप्रेशन की। तो जो आइसेंट्रॉपिक रिलेशनशिप होता है प्रेशर टेम्परेचर को क्या होता है, T2/T1 = P2/P1 की पावर γ - 1/γ। गामा क्या होता है, गामा एक आइडियाबैटिक क्या होता है, गामा जो होता है वो एक आइडियाबैटिक इंडेक्स होता है, ठीक है। और आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है, आइसेंट्रॉपिक होती है जो प्रोसेस आइडियाबैटिक और रिवर्सिबल होती है उस प्रोसेस को हम आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। आइडियाबैटिक कौन सी होती है, अगर कोई भी हीट सोर्स ऐड नहीं कर रहा अपनी प्रोसेस में तो कोई भी हीट एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं, मतलब कोई प्रोसेस में एक प्रोसेस चल रही है उसके अंदर कोई अदर सोर्स हीट ऐड नहीं कर रहा है, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। और एक होती है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब इसके अंदर कोई विस्कोसिटी या कोई फ्रिक्शन नहीं है हमारे पास प्रोसेस के अंदर, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे आपका रिवर्सिबल। ये दो प्रोसेस होते हैं आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन इस तरीके से क्या करते हैं, T2/T1 को हम लिख सकते हैं P2/P1 की पावर γ - 1 और RP सो द प्रेशर रेशियो, ठीक है। तो जो इफिशियंसी होती है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, जो इफिशियंसी होती है किस पर डिपेंड करती है, साइकिल की जो इफिशियंसी होती है हमारे पास प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करती है। और इसका वेरिएशन कैसा होता है, मैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपका ये इफिशियंसी डिपेंड ऑन द प्रेशर रेशियो, किस में प्रेशर रेशियो डिपेंड करती है। जो इसका वेरिएशन है वो हम देखेंगे, इसके ग्राफ मैंने बना हुआ है इफिशियंस बिटवीन जो इफिशियंसी और हमारे इसके बीच में किसके हमारे पास RP जिसको हम प्रेशर रेशियो बोलते हैं उसके बीच में बनाया हुआ है। बनाया क्या, अगर आपकी आप इस चीज़ को देखिए कि अगर इसकी वैल्यू अगर हम बंद कर दें, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू अगर आप बंद कर दें तो 1 - 1 क्या जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - 1 0 हमारे पास क्या, इन्फिनिटी होगा। इसकी जो वेरिएशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक, उसका वेरिएशन 1 से इन्फिनिटी के बीच में RP की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। RP की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, लिखा हुआ है कि RP इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसके जो वेरिएशन है इफिशियंसी का विद रेस्पेक्ट टू RP, जैसे जैसे RP बढ़ता है इफिशियंसी जो वैल्यू होती है कम होती चली जाती है, क्योंकि ये क्या है इसके इनरिवर्सिबल क्या है आपके नीचे आता है, ठीक है। एक होता है आपके पास डायरेक्टली और प्रोपोर्शनली, ठीक है, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ में कि यहाँ पर क्या है, ये RP की वैल्यू बढ़ रही है और इसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि RP के रिस्पेक्ट में इफिशियंसी का क्या चेंज आता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि जब जब RP की वैल्यू बढ़ेगी, RP क्या है, प्रेशर रेशियो है हमारे पास, अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो जो हमारे पास इफिशियंसी है वो हमारे पास कम होती चली जाएगी, ठीक है। इसलिए हम RP को क्या है कम से कम रखने की कोशिश करते हैं जिससे हमें हाइयर से इफिशियंसी मिल सके, ओके। इसमें एक और टर्म्स होता है, इन टर्म्स में हम ये मानते हैं कि CP जो आपका एडियाबेटिक इंडेक्स क्या होता है, अगर आपको वैल्यू गामा की वैल्यू निकालनी हो, ये गामा जो होता है एडियाबेटिक इंडेक्स होता है, तो एडियाबेटिक इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एडियाबेटिक इंस्टेंट होता है CP/CV, ठीक है। ये गैस प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ की, तो मोस्टली हम क्या एयर यूज करते हैं, तो एयर के लिए जो गामा की वैल्यू होती है एडियाबेटिक इंडेक्स की वैल्यू वो 1.4 होती है, और ये किसका रेशियो होता है, ये होता है CP/CV। CP क्या होती है, CP होती है आपके पास स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और CB होता है आपके पास स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और विशिष्ट ऊष्मा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इनकी एक वैल्यू भी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। CP की वैल्यू क्या होती है, 1.005 किलो जूल पर KG केल्विन, क्या होता है 1.005 किलो जूल पर KG केल्विन, अगर जूल बदलने चाहेंगे तो 10^3 आ जाता है, ठीक है। CB क्या है, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो क्या है 0.718 kg किलो जूल पर kg केल्विन, ठीक है। जब इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास जो गामा की वैल्यू आएगी वो 1.4 आएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड सारी का दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इफिशियंसी निकाली हुई थी तो क्या होगा, आपको ये गिवन होगा प्रेशर रेशियो, आपको गामा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, या गामा की वैल्यू गिवन होगी आपको प्रेशर रेशियो गिवन होगा तो आपको क्या होगा इफिशियंसी निकालनी होगी, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको LP में आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।